सर का जो कल का बजट पेश किया गया है इस मोदी सरकार द्वारा, क्या लगता है कितना सही है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कोई भी बजट जो है खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो ज़ीरो होता है। और जब से यूटी बनी हुई है, आपने जम्मू कश्मीर के हालात तो देख ही लिए, बजट तो चलो दूसरी बात है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब 2014 में आपकी सरकार बनने वाली थी और आप लोगों को वादे करते थे, तो उस टाइम पे आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था युवाओं के लिए, और इस बजट में आपने कहा है कि आप हर साल 60 लाख नौकरियाँ देंगे और 1 करोड़ 40 लाख नौकरियों का सीधा ही आप नीचे आए हैं। और जब 2022 में या 2024 में इलेक्शन होंगे उस टाइम पे आपका जो बजट नौकरियों का वादा होगा वो इससे भी आधा हो जाएगा, क्योंकि आप 60 लाख भी पूरी कर नहीं पाएंगे, 60 लाख नौकरियों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से GST और जिस तरह से नोटबंदी आपने की, जिस तरह GST और नोटबंदी किया आपने, उस तरह से हमारे देश में जितने भी युवा रोजगार जो हमारे रोजगार करते थे, युवा जितने भी हमारे युवा थे जो नौकरियां करते थे वो घर आके बैठ गए हैं। GST के टाइम पे आप कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, कितने नोटबंदी के समय पे कितनी फैक्ट्रीज बंद हुई, वो सभी युवा जो बाहर काम करते थे हमारे जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, वो सारे अपने घरों में आकर बैठे हुए हैं। क्या इस मोदी सरकार ने ये भी कल जो बजट में आया कि हीरे सस्ते करेंगे, अब हीरे सस्ते को लेकर कुछ बात समझ नहीं आई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सूरत में हीरा व्यापारी हैं, वो अपने लोगों के लिए हीरे सस्ते किए हैं, हीरे सस्ते करेंगे तो उनको सस्ते मिलेंगे, आगे तो वो लोगों को उसी भाव में बेचेंगे। वो ये गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा होगा और किसी को नहीं होगा। अपनी स्टेट में गुजरात के हीरा व्यापारियों को फ़ायदा होगा, वो तो अपनी स्टेट के लिए उन्होंने किया, जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया है? अब किसानों को क्या दिया इस बजट में? किसानों के लिए देखिए ना आपने क्या, आप क्या है? अब जो 100 करोड़ की इंडस्ट्री यहाँ पर एक स्कीम आई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 100 करोड़ की इंडस्ट्री में 100% सब्सिडी होगी, गवर्नमेंट देगी, वो कहाँ से देगी? हमारे ही लोगों का टैक्स, हमारे जो टैक्स के रूप में हम पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, उसी से। और वो लोग आएंगे कहाँ से इंडस्ट्री लगाने के लिए? बाहर से। और वो सिर्फ सब्सिडी खाएंगे और चले जाएंगे। जिस तरह से भारत पेपर मिल यहाँ से गेट मोड़ में एक लगी हुई थी फैक्ट्री, बड़ा उसने पूरी सब्सिडी लेके वो फैक्ट्री चालू ही नहीं की। अब हज़ार कनाल, 500 कनाल ज़मीनें यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, कोई गुजरात से आ रहा है। आपको लगता है कि क्या वो फैक्ट्रियाँ चलाएंगे? अगर तो वो फैक्ट्रियाँ चलाएं तो हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि मुझे जैसे ही वो फैक्ट्री इंस्टॉल होंगी, जैसे उनके खाते में सब्सिडी आएंगी, तो वो भाग जाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे रहेगा, बैंक करप्ट होगा, फिर से हमारी इकोनॉमी डाउन होगी। तो ये सारा एक आई वॉश है, ये सारा सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जोलियाँ भरना चाहती है, वो अपने आप उनको इतना पैसा इकट्ठा करना चाहती है कि आने वाले समय में इलेक्शंस के टाइम पर उन पर उनके पास पैसों की कोई कमी ना रहे। और इतनी अमीर पार्टी हो चुकी है जो 8-8 हज़ार रुपये का अपना ऑफिस बना रही है, 500 करोड़ के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अपने ऑफिस बना रहे हैं, दिल्ली में 8 हज़ार करोड़ का बनाया, जम्मू में 200 करोड़ का ऑफिस बनाया है, 20 कनाल ज़मीन में जहाँ पे 4 करोड़ रुपये कनाल ज़मीन है वहाँ पे उन्होंने 5 स्टार होटल की तरह बनाया। वो पैसा कहाँ से आया? कोई पूछे, कोई फंड्स, कोई रसीदें, कोई कुछ, कोई लोगों को जो कुछ, कोई तो जवाब दो, कुछ तो बताओ। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पूरे हेड ऑफिस बनाए हैं 4-4, 5-5 करोड़ रुपये खर्च करके। कांग्रेस पे ब्लेम लगाते हैं, अगर कांग्रेस के पास पैसे होते तो वो भी अपना एस्टैब्लिश करती, उन्होंने लोगों की सेवा की, और भारतीय जनता पार्टी लोगों को लूटने का काम कर रही है। अब यूटी में देखो नए नए रूल आ रहे हैं, ज़मीनों के नए नए रूल बनाए जा रहे हैं, क्या उससे कितनी हरासमेंट हो रही है लोगों को? आप स्कूल कॉलेजेस में देख लो, पूरे देश में स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, यहाँ पे बंद हैं। लखनपुर में लोगों की क्या हालत है, टोल प्लाजाज के क्या इश्यूज़ हैं, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, और हमारे नेता भी बाहर नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पूरे सिस्टम पे कब्जा करके रखा हुआ है। मैं आम पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ, इनको समझो और बाहर निकल के अपने दिमाग से थोड़ा समझो। मैं चाहता हूँ कि उनको समझते हैं कि जब भी कोई बात करता है वो उसको कहते हैं ये एंटी इंडियन है, एंटी नेशनलिस्ट है, एंटी नेशनल है, वो क्या बात हुई? अब विकास की बात करिए, देशभक्ति भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा नहीं है, देशभक्ति इनके लोगों में कितनी है, कितनी माफ़ियाँ मांगी, कितने माफ़ीनामे दिए हैं जिनकी ये पूजा करते हैं, वो सारा दुनिया जानती है। तो इसलिए देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाएं और जो लोगों की सेवा है, पब्लिक की, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें कि जम्मू कश्मीर का युवा क्या करेगा। जम्मू कश्मीर का युवा जो बाहर बेंगलोर में, कहीं पुणे में, कहीं बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बॉम्बे में काम करते थे, जॉब करते थे, वो सारे घर आके बैठे हुए हैं, तो बच्चे सारे घर आके बैठे हुए हैं। तो सोचना चाहिए कि किस तरह से हमने जॉब प्रोवाइड करना है अपने युवाओं को, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मानते हैं कि जो बजट आया है वे एक फेलियर है? देखिए, बजट तो हमेशा, बजट एक टाइम होता है कि बजट पेश करना है, उसमें इन्होंने कुछ लोगों को देना तो है नहीं। अब किसानों के लिए बता दीजिए क्या है,
कुछ नहीं है, इनका काम है इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े, जो बड़े बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनसे अगर 100 करोड़ की सब्सिडी, 100 करोड़ की ज़मीन पे, 100 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 100 करोड़ की सब्सिडी ये देंगे, तो वो कितना पैसा, कितनी इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश होगी उसमें कितना पैसा सरकार को देंगे, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये सारी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं भारतीय जनता पार्टी जितनी भी पॉलिसीज बनाती हैं उस पॉलिसीज की इनकी अपनी पॉलिसीज नहीं होती, ये इंडस्ट्रियलिस्ट की पॉलिसीज होती हैं। वो इनको बताते हैं कि हमने किस तरीके से पैसा कमाना है, आप ये पॉलिसी लाइए इस तरह से हम आपको इतना पैसा देंगे। ये डायरेक्ट है, सीधी समझ है, बाकी पब्लिक को समझना, लोगों को समझना चाहिए।